जय हिंद जनमन। ओके, टुडे वन ऑफ आवर थ्री स्टूडेंट्स ऑफ यूटी डायमंड्स, दे आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। दे हैव बीन सिलेक्टेड फॉर इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर। बेसिकली दे हैव डन द 4 मंथ्स ट्रेनिंग एट आईएनएस चिल्का एंड पास आउट ऑन 28 मार्च 2023। I will introduce the all the students who are standing in front of you. First students, Aditya Ghosh. Jai Hind everyone. Jai Hind. He has done NDE 1 year course, and he was a student in 2021 at Doon Defence Academy, and he has been shortlisted for TBR SSR from here, and he got the Air Engineering branch from INS Shilka on completion of his basic training. And now we will be proceeding for the strip training at Mumbai in INS Deepak. This is the great achievement by Deepak, and congratulations to him and clapping for him. Now Deepak will share the experience of Doon Defence Academy during his entire training he has taken here, and followed by the experience of Indian Navy in INS Shilka. Okay, Aditya, please. Jai Hind. Jai Hind. My name is Aditya Ghosh, and place Gona, Lalitpur district. When I came here for the first time, I saw Doon Defence Academy and the atmosphere. So I felt like this. We were sitting like this. तो देखा, सर लोगों से मिला, हमें नहीं लगता था कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। पहले सर लोगों से मिला, और जिसमें मेन संदीप सर से भी बात हुई मेरी। मैं बैठा, सर से पूछा, सर हम लोग आए हैं लेकिन बहुत वीक परिवार से थे। हम लोग 3 लोग आए थे हम एक ही गांव से, लेकिन सिलेक्शन मेरा ही हुआ, दोनों का नहीं हो पाया था। और मैंने सर लोगों से इतनी हेल्प ली, सर ने बहुत हेल्प की मेरी। हर जगह पे एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते थे हम। सर लोगों को बहुत परेशान किया हमने सच में। और वहाँ पे मेरी ईस्टरिंग में क्लासेस लगती थी जब, तो नवीन सर थे मैथ के टीचर हमारे, उनसे बहुत डाउट पूछते थे। और ये पीछे बैठे, जैसे ऐसे पीछे बैठे रहते थे हम, वहीं से पूछते थे सर डाउट। कभी कभी सर गुस्सा नाराज भी हो जाते थे, बहुत ज़्यादा डाउट पूछते थे हम। सर कहते थे तुम, मतलब लास्ट में बुला लेते थे लेकिन सर, और एक्स्ट्रा टाइम भी देते थे हमें, और बढ़िया से पढ़ाई की हमें। और कभी हम घूमने नहीं गए सर, हमने पहले ही ठान लिया था जब तक सिलेक्शन नहीं होगा कहीं भी नहीं जाएंगे हम। और बढ़िया से पढ़ाई की, सर लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। और मैक्सिमम फ्रेंड्स थे जो हमारे, वो घूमने में टाइम खराब कर देते, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए घूमने फिरने। पहले सोच लिए थे जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा कहीं नहीं जाएंगे। और एक दिन ऐसा था कि सिलेक्शन भी हो जाता। पहले जब 2021 में आए थे हम जुलाई में, तो कुछ समय लगा, तब लगा कि अब नहीं हो पाएगा शायद, ये लाइन हमारे लिए है ही नहीं। फिर सर लोगों ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेहनत करते जाओ तो सफलता मिलती है हमेशा। और करते गए मेहनत, सब लोगों का आशीर्वाद रहा। एक टाइम ऐसा आया कि पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और कई प्रकार की परिवार की प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन कुछ नहीं, सब भगवान देखता और सब सीधे निकाल के पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और बस यही है, न संघर्ष न तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है सीने में। INS चिल्का की बताएं आपको, तो 3:30 बजे हैंड्स कॉल होता है हम लोगों का, बस 5 बजे से PT स्टार्ट, वही टाइमिंग, बस 6 से ब्रेकफास्ट वगैरह। इसके बाद क्लासेस लगती, बस परेड वगैरह, स्विमिंग वगैरह। स्विमिंग बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है जबकि नेवी में। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा डिसिप्लिन में, सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब आप क्या पहन रहे, क्या खाना पीना खा रहे, मतलब हर चीज़ के लिए।
उसी से मतलब डिसिप्लिन को हम सबसे नंबर वन प्रायोरिटी देते हैं सफलता के ऊपर. Okay, gentlemen, basically Aditya Ghosh has shared the experience of his entire life and wish him all the best for the future career in engineering. Okay, the next students, in front of you, Abhishek Rathod. He has taken MBA 1 year course here and he has completed his training for 4 months in INS Shilka and got the branch of the logistic branch, and he will be proceeding for the ship training after this in Visakhapatnam, INS Delhi warship. Okay, so now Abhishek, you share some experience of the DDN followed by Indian Navy. Jai Hind everyone. Jai Hind. मैं मुरैना से एमपी से रहने वाला हूँ. मैंने एनडीए कोर्स 2021 में किया था डूम डिफेंस अकेडमी में. पहले तो लग रहा था कि मेरा नहीं हो पाएगा, मैं क्यों आया हूँ इतनी दूर, पर सर का आशीर्वाद था और सब टीचर जो थे वो सब डाउट क्लियर करते थे. मैंने ये सेकेंड अटैम्प्ट था मेरा. पहला मेरा अटैम्प्ट था उसमें मैं पीएफटी फेल हो गया था, वो 0122 जो परमानेंट बैच था. ये फर्स्ट बैच और ओपनिंग भी जिसमें सिलेक्ट हुआ हूँ, इसमें मुझे प्राउड फील इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फर्स्ट बैच है. और जो वहाँ के इंस्ट्रक्टर थे, जीआई इंस्ट्रक्टर, वो भी बोल रहे थे आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो क्योंकि आप इंडियन अग्निवीर हो, फर्स्ट इंडियन नेवी. इसलिए इस बार सीनियर्स भी आए थे और पीटी ऊषा, मिताली राज, जनरल बिपिन रावत की बेटियाँ भी आई थी. और जिसमें अवार्ड मिला है वो हमारे बैच की थी, अशोक डिवेन की. मैं अकबर डिवेन से हूँ और मुझे लॉजिस्टिक एनएफएनडी ब्रांच मिली है. और जो हमारे डोमांडर थे लेफ्टिनेंट अमितन बत सर, वो बहुत ही अच्छे थे. उनकी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी. वो बोलते थे कि दो ही ब्रांच सबसे डिफिकल्ट है, एक सीमेन और एक मैकेनिकल इंजीनियर. पर मुझे तो लॉजिस्टिक मिली एफएनडी. इसमें फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का काम रहता है, ज़्यादा कुछ सिप पे जाना नहीं, मेरा बेस पे काम है. और सर के आशीर्वाद से आज मैं इंडियन नेवी में फर्स्ट अग्निवीर बैच का एक हिस्सा हूँ. थैंक यू सर. Now the third student right in front of you, Monu Punia. He was the Air Force 6 month course student in Drone Defence Academy in year 2022, and he's cleared the DPSSR SSR exam from here and completed 4 months training in INS Shilka, and he got the Mechanical Engineering branch ME. Okay, and he will be proceeding for the ship training at Mumbai in INS Trikrand. Mono will be share some experience for the DDA followed by the Indian Navy. Jai Hind everyone. Jai Hind. मैं मनु पुनिया अग्निवीर एसएसआर. मैं राजस्थान से हूँ. मेरा डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है. मैं अभी बेसिक ट्रेनिंग चिल्का से करके आया हूँ. अभी मुझे सिर्फ ट्रेनिंग मुंबई के लिए जाना है. तो मैंने यहाँ पर 9 अगस्त में एडमिशन लिया था और मेरे पास केवल 1 महीने का टाइम था. मेरे 1 महीने के बाद मेरा जो नेवी का एग्जाम था, तो मैंने मेधानी सर से कांटेक्ट किया. मैंने कहा सर अभी 1 महीने का मेरा टाइम बाकी है, मैं कैसे करूँगा सब कुछ. तो मेधानी सर ने कहा, उन्होंने मुझे कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कराए, बोले कोई ना तो बस लगा है. फिर तो यहाँ पर मुझे तो बुक्स प्रोवाइड की थी, वो मैंने एक एक दो दो पर मतलब कवर कर ली थी सारी. फिर उन मेधानी सर ने कहा सर, मैंने कहा सर इंग्लिश जीके उनमें मेरे को दिक्कत आ रही है क्योंकि वो मैंने पहले भी नहीं पढ़ी. तो सर ने बोला कि तू जो इंग्लिश के जो सर है उनसे कॉन्टेक्ट कर. मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने मुझे जो पुराने बंदे उनके नोट्स प्रोवाइड करवाए. फिर 1 महीने के बाद मेरा जो एग्ज़ाम था और मैंने पीटी करता था, तो सर मैंने बोला सर अभी 1 महीने का टाइम है, पीटी भी करना है, पढ़ना भी है साथ में. तो सर ने कहा कोई नहीं, हो जाएगा, बस तू हौसला रख. फिर मैं गया वहाँ पर, मेरे INS बलसुरा में मेरी वहाँ पर एग्ज़ाम हुआ पीटी था. तो जब मेरा वो पेपर चल रहा था तो कुछ बंदे रनिंग भी कर रहे थे, तो मतलब माइंड ऐसा हुआ कि यार पेपर नहीं निकलेगा, ये एग्ज़ाम वो पीटी कैसे होगी. फिर कोई ना, मुझे लगा कि पहले तेरा एग्ज़ाम है, तू एग्ज़ाम में ध्यान दे, पीटी बाद में होगी देखा जाएगा. तो पहले मैंने अपना एग्ज़ाम दिया अच्छे से, बाद में 6.5 मिनट टाइम थी उसमें मैंने अपना पीटी क्लियर कर लिया. फिर उसके बाद 1 महीने के बाद हमारा रिजल्ट आया, उसमें सिलेक्शन हो गया. उसके बाद वो हमारा ट्रेनिंग हमारे मेडिकल हुआ INS चिल्का में. उसके बाद मुझे लगा कि अरे वाह नौकरी लग गई, अब तो मौज ही मौज है. लेकिन ऐसा कुछ वहाँ जाकर सुबह रात को 12:30 बजे सुलाते थे, 3:30 बजे वापस उठा देते थे. फिर 5 बजे पीटी, उसके बाद परेड, फिर पढ़ाई चलती थी. वहाँ पे जाके भी एग्ज़ाम पास करना होता है आपको,
मिड टर्म होते हैं, फाइनल टर्म होते हैं। मैंने सोचा वो पहले हमें बोला गया कि जो टॉप है उसको मनपसंद की ब्रांच मिलेगी, उसमें मैचेस बॉल किया तो फिर बोले नहीं तुम लोग को अच्छा भी कर लोगे, जो जो तुम्हें हैंडल किया जाए तुम लोग उसको कवर कर लोगे, बाकी जो मतलब भी बंदे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तब मुझे लगा कोई पहले फंस गया जाएगा, वहाँ फंसा दिया, फिर ऐसे लगा हाँ कोई नहीं, जो मिल गए वो मिल गए, देखा जाएगा हम लोगों का स्विमिंग मैन नेवी मैन स्विमिंग, अगर स्विमिंग नहीं सीखे तो फिर कुछ नहीं किया वहाँ जाकर। उसके बाद हमारी स्विमिंग क्लास होती थी, मतलब एक मिनट का टाइम मिलता था कि आप फ्री हो जाओ, और जो वुमेन ट्रेनर्स हैं वो तो मतलब हर चीज़ में वहाँ पर करते हैं, हर चीज़ में करते हैं, मतलब परेड हमारी परेड होती तो वो ही चक्कर खा के गिर जाते थे, गर्ल्स नहीं गिरती थी उधर चक्कर खा के, हमें इंस्ट्रक्टर बोले थे देखो गर्ल्स की तरफ देखो और तुम बॉयज गिर रहे हो परेड ग्राउंड में। हमारी स्विमिंग पास हो गई, पीटी हुई, वहाँ पर पीटी टेस्ट होता है, 5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री होती है, कुछ गेम्स कॉम्पिटिशन भी होते हैं, जो डिवीजन विनर रहता है उधर उसको ट्रॉफी मिलती है, चैंपियन डिवीजन का रहता है उधर। फिर अभी हमारी बेसिक ट्रेनिंग हो गई, अभी 4-10 दिन की छुट्टी मिली है, उसके बाद हमें शिप ट्रेनिंग होगी। यहाँ जब मैं एडमिशन के लिए आया था तब मैंने मेथानी सर से कॉन्टेक्ट किया, मेथानी सर ने बोला, मैंने सर कहा सर मोटिवेट नहीं हूँ, कैसे बोला मोटिवेट, खुद का मोटिवेशन डेवलप कर। फिर टेलीग्राम पर सर संदीप सर के वीडियो भी देखता था, वो जो बंदे जो मतलब NTA में नेवी में सेलेक्ट होते थे उनको देखकर कुछ अलग ही सोचता था यार, ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके बाद बस होता गया और आज आपके सामने हूं इधर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। आप अभी सब लोग इसी बैच में ज्वाइन किए सब? यस सर। सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं? यस सर। ठीक लग रहा है यहाँ पे? यस सर। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आसमान बाकी है, उड़ना शुरू किया है अभी ना, अभी पूरा आसमान बाकी है। आज हमारे 3 स्टूडेंट DD डायमंड्स अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हैं, और इसने अभी आपने इनका एक्सपीरियंस भी सुना होगा। 28 मार्च को इनकी POP थी, एक्चुअली मुझे भी इनविटेशन था बट ड्यू टू एकेडमी की कमिटमेंट की वजह से मैं जा नहीं पाया, बट मैं सितंबर में विजिट किया था NSCL का लास्ट ईयर, आफ्टर द गैप ऑफ अराउंड 32 ईयर्स आई ज्वाइन इंडियन नेवी, आपको शायद मालूम होगा 1990 जुलाई 1990, और अभी 2022 में मैंने विजिट किया अभी NSCL का। और जब ये अभी वापस आए तो मैं पूछ रहा था इनसे कि डिवीजन तो एंग्रे के थे आई थिंक, तो अकबर के एंग्रे का, तुम तो अभी पास आउट होकर आ रहे ना, तुमको तुम्हारी डिवीजन दिखा सकेंगे तुमको, अभी सितंबर का फोटो है ये तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर कमोडर एन पति, अभी मिल के आ रहा हूँ उनसे, ये नालंदा ब्लॉक, ये नालंदा ब्लॉक जहाँ पे पढ़ाई होती है, NSCL का मैं की पढ़ाई होती है, एकेडमिक ब्लॉक बोल सकते हैं, उसका नाम है नालंदा, मैंने करी थी 1990 में ही, अभी करके आ गए। ये वो परेड ग्राउंड है जहाँ तुम अभी POP कर, आपने देखा ना पिछले जहाँ इन्होंने पासिंग आउट परेड करी थी, अभी वाइट ड्रेस में थे, ये वो परेड ग्राउंड है जहाँ पे मैंने अपनी पासिंग आउट परेड की थी 33 ईयर पहले, ये वो परेड ग्राउंड है, ये मास्क। नेक्स्ट, ह्यूमन डिवीजन आजाद, हाँ ये आजाद डिवीजन, मैं था अभिमन्यु डिवीजन में। नेक्स्ट, ये अकबर, ये हाँ ये अकबर डिवीजन, बेसिकली आप लोग अभी यहाँ पे फ्रेश ज्वाइन किए हैं, आपके आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी, इसमें बहुत सारे NDA के एस्पिरेंट्स हैं, कुछ एयरफोर्स के, कुछ नेवी के, अलग अलग जगह जाने का आप लोगों ने सोच के यहाँ पे एडमिशन लिया है। मैं जो हमारा ट्रेडिशन है, जो भी बच्चा जो भी बॉय गर्ल यहाँ से सिलेक्ट होके फाइनली चाहे NDA में CBSE में आर्मी नेवी एयरफोर्स कहीं भी ज्वाइन करता है तो उसको 10,000 का कैश अवार्ड
दून डिफेंस एकेडमी की तरफ से मिलता है, आपको शायद मालूम होगा। मालूम है ये? तो जो ये कैश अवार्ड है, बेसिकली आज की डेट में 10,000 ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट है, बट ये हमारा, हमारी पूरी टीम का एक आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, जो मैं अपने डीडी डायमंड्स को देता हूँ हमेशा, जब वो फाइनली इतना सेलेक्ट होते हैं या ट्रेनिंग से आते हैं या मेरिट लिस्ट में आते हैं। तो आप लोगों के सामने सिर्फ इनको आज लेके आने का और आपसे बात कराने का मकसद यही है कि सब कुछ पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये भी एक दिन आप में से एक थे यार, ऐसे जैसे आप आए, इन्होंने भी कभी यहाँ पे ज्वाइन किया था, ऐसे हजारों हजारों बच्चे आज यहाँ पे पढ़ के इनके नाम कोर्सेज में जॉब कर रहे हैं। और आपको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आपकी स्टार्टिंग है, अग्निवीर का ये पहला बैच है जो आप लोग पास आउट हुए हैं। अभी आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग के लिए जाएंगे जो आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, इनमें से INS हमला वाला भी है। और जैसे कि आपको मालूम है ये पर्टिकुलर एंट्री 4 साल के लिए है, बट आपको भी ध्यान से सुन लो, गवर्नमेंट ने भी जब ये एंट्री इंट्रोड्यूस की थी तो बोला था, और आपको भी बताया गया होगा कि 25% रिटेन करेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 साल के बाद आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी बचती नहीं है, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे डेडिकेशन से अपना काम करो, अपना प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग आपको मिली है उसमें अव्वल रहो, अच्छे से अपना काम सीखो, तो नेवी को भी ज़रूरत है, इसलिए वो 25% रिटेन करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद आपके पास कुछ नहीं बचता। और उससे बेहतर रहो वहाँ पे, जो आपके बैचमेट थे 3,000 से ज़्यादा उसमें गर्ल्स भी हैं, अच्छा परफॉर्म करो। और जो भी आपके सीनियर्स होंगे, अभी आप शिप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं वहाँ पे अच्छे रिमार्क लो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं वहाँ पे अच्छे रिमार्क लो, उसके बाद जब आपकी सर्विस चलेगी 2-3 साल की बचेगी तब, ये सब करने के बाद अच्छे से अपनी सर्विस करो। और इम्प्रेशन आपका ऐसा रहना चाहिए कि आप एसेट साबित हो सको आने वाले टाइम में इंडियन नेवी के लिए, तो आपको वो 25% में अब्जॉर्व कर लेंगे, तो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। जनरली अग्निवीर के बारे में एक नेगेटिव था कि 4 साल के बाद क्या करेंगे क्या करेंगे, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, गिलास को आप आधा भरा हुआ देखो, आधा खाली हुआ देखो। आपका नज़रिया देखने का होना चाहिए कि आधा भरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा खाली है। साथ साथ ACC के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ACC का एग्ज़ाम दो, और भी इंटरनल एग्ज़ाम को बताए होंगे वहाँ पे, मर्चेंट नेवी का है, CW का है, ठीक है, आपके आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है वो, बट अब आपके ऊपर है कितनी मेहनत करते हैं। मेहनत आगे करोगे तो आपको भी आगे परमानेंट जॉब भी मिल सकती है और अच्छा रैंक भी आपको मिल सकता है। सिमिलरली गर्ल्स के लिए भी, गर्ल्स जो यहाँ बैठी हैं, आपको हम जब भी जो भी वैकेंसीज आएंगी, चाहे NDA हो, एयरफोर्स, नेवी का कोई भी एंट्री आएगी, हम आपको यहाँ से सबके बारे में बताएंगे और आपको सबकी ट्राई करना है। ये नहीं सोचना कि मैं NDA के लिए आया हूँ या एयरफोर्स के लिए आया हूँ, या जो भी एग्जाम होंगे कंपटीशन लेवल सबका लगभग एक जैसा है, ज्वाइन करो या ना करो वो बात की बात है, बट अगर आपने वो पर्टिकुलर एग्जाम क्वालिफाई किया, सपोज आप NDA के लिए आए हो, वो तो आपका टारगेट है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसको आपको पहले अपने उसमें रखना है प्रायोरिटी लिस्ट में। बट अगर अग्निवीर की कोई एंट्री आती है, आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन आजकल होता है, यहीं से कंप्यूटर लैब से आपको भरा दिया जाएगा, क्वालिफाई करो, उससे दो चीज़ें होंगी, एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा अगर आप क्वालिफाई करते हैं, दूसरा एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में रहेगी, आप उसको ले ना ले अलग बात है, बट एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में रहेगी, यस एक जॉब मेरे हाथ में है, वो सर्कमस्टेंसेस पे है, आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें वो बात की बात है, बट उसको अप्लाई जरूर करना, ये मैं आपको आज इसलिए कहने के लिए आया हूँ और आपके सामने BBA के पुराने स्टूडेंट हैं। तो चलिए आप सबके बिहाफ पे जो हमारा ट्रेडिशन है उसको पूरा करते हैं, 10,000 का कैश अवार्ड आपको यहाँ से मिलता है। सबसे पहले आदित्य घोष, आपको आप कहाँ से हो, कहाँ से आए थे? ललितपुर से थे। तो ये 10,000 रुपये का कैश अवार्ड आप सबकी तरफ से आदित्य घोष।
अभिषेक मुरैना सर, मुरैना एमपी 10,000 इसमें पैसा है खाली नहीं है, वो समझना। मोनू आप कहां से थे? राजस्थान। ओके बेसिकली ऑल द थ्री डीडी डायमंड्स जिन्होंने भी बेसिक ट्रेनिंग एनएचएल का में कंप्लीट की, ये बहुत खुशी का मौका है। बेसिकली एक कॉम्प्लीमेंट की तरफ सून डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर संदीप सर के लिए इसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। दे गॉट दिस कैप फ्रॉम एनएचएल का और ये संदीप सर के लिए इसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स अब हम सबके हेयरकट देख लो, उस वक्त लग रहा है ना मैं भी ट्रेनिंग करके आ रहा। देख लो 32 ईयर 33 ईयर के बाद मैं आने चिल्का के क्या वापस पहनता हूँ, ये मेरे लिए लेके आए हैं। तो आई एम रियली वेरी ग्लैड, थैंक यू वेरी मच। ये लो तुम भी पहन लो। ऐसा लग रहा है मैं फिर से ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ। तो आप लोगों को भी बस मन में यही ठानना है, अपने आप को लगातार खुद ही जब मॉर्निंग में आप उठते हो मिरर को देख के, जब मिरर देखते हो तो मिरर में जो आपको दिखाई दे रहा है डेली उसको बोलना है कि तुम कुछ कर सकता है। जब भी मिरर देखोगे ना सुबह उठ के, तो मिरर में जो भी दिख रहा है आपको उसको डेली बोलना है यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, डेली बोलना है और लीव मी एक दिन वो हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.